फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रम का फ्लावर पॉट कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। इसके लिए देखिए, मेरे पास माइक्रम का धागा है जो मैंने अपने 4 इंच की रिंग में लगा रखी है मैंने। और मैंने इस धागे को 150 150 कट किया है, पूरे 24 यानी मैंने 24 जो कॉर्ड है मेरा 150 के मैंने कट किए है। और मेरे पास ये देखिए रिंग है, इस तरह के तीन इंच के दो रिंग है मेरे पास और 4 इंच के दो रिंग है, एक ये और एक मैंने इसमें इस तरह से अपना कॉर्ड डाल के ले लिया है। मुझे सीजर लगेगा, लाइटर लगेगा और इस तरह के वाइट बीट्स है मेरे पास जो इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा दर्जन के हिसाब से। मेरे पास इस तरह का एक बॉल है जिसपे मैंने चमकी पेपर अच्छी तरह से लगा रखा है, ये आप भी इसी तरह से लगा सकते हो। सबसे पहले देखिए, मैंने जो अपने रिंग में इस तरह से जो कॉर्ड है मेरा डाल रखा है मैंने, इसमें मैं इस तरह से यहाँ से ऐसे टू थ्रेड ले लूँगी इस तरह से और इसमें नॉट बनाऊँगी। इस तरह से देखिए इस तरह से मैं अपना जो मेरा नॉट है उसे मैं बनाते चले जाऊंगी पूरे रिंग में। फिर से मैं दो कॉर्ड लूंगी इस तरह से, फिर इसमें भी बनाऊंगी इस तरह से नॉट। मैं पूरे राउंड में इसी तरह से नॉट बनाते चली जाऊंगी ऐसे। ये देखिए इस तरह से मेरा ये नॉट इस तरह से मैंने डाल दिया है। अभी इसी तरह से मैं पूरा अच्छी तरह से डाल के ले लूंगी पूरे रिंग में। ये देखिए इस तरह से मैंने अपना ये वो एक एक नॉट मैंने पूरे रिंग में डाल लिया है। अब मैं सेकंड वाला रिंग किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए देखिए, मैं अब मेरे जो इस तरह के दो नॉट बने हैं उसमें से मैं टू थ्रेड इधर से ले लूँगी और टू थ्रेड इधर से ले लूँगी, ऐसे 4 थ्रेड ले लूँगी मैं और फिर इसमें इस तरह से मैं नॉट डाल दूँगी। ऐसे ही से मैं लूंगी इस तरह से। ये देखिए मेरा इस तरह से नॉट बनते चला जाएगा। और फिर सेकंड वाले में भी मुझे वही करना है, 2 2 थ्रेड लेके और फिर से उसमें भी नॉट डालना है। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 4 थ्रेड लिए और इसमें इस तरह से मैं नॉट डालूंगी। इस तरह से मैं देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे नॉट कंप्लीट कर लिए है। और फिर मेरे जो 3 इंच की रिंग थी मैंने सभी थ्रेड को 3 इंच के रिंग में डाल दिया है। डालने के लिए मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा है कि रिंग में थ्रेड को किस तरह से डालते हैं। फिर से मैंने एक 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 नॉट पूरे थ्रेड का बना लिया रिंग लगाने के बाद। अब फिर से देखिए इस तरह से मेरे जो बीट्स है वो मैं लगाऊंगी। ये देखिए इसके लिए मुझे सबसे पहले ये देखिए यहाँ के मैं इस तरह के
दो थ्रेड लूंगी और इसमें मैं अपनी ये बीट्स को डाल दूंगी इस तरह से। देखिए यहाँ पे डालने के बाद मैं फिर से साइड साइड के दो थ्रेड ले लूंगी और यहाँ पे नॉट बना लूंगी इस तरह से। इस तरह से देखिए मैंने दो बिट्स लगा लिए। अब मैं मेरा जो थर्ड वाला है उसमें भी मैं इस तरह से इसे छोड़ दूंगी। बाद में यहाँ से फोर्थ थ्रेड लूंगी देखिए, उसके बाद मैं साइड साइड के एक एक छोड़ दूंगी। जो मेरा सेंटर का दो थ्रेड है उसे ले लूंगी और फिर से इसमें मैं इस तरह से बिट्स को डाल दूंगी ऐसे। देखिए इस तरह से फिर से मैं मेरा जो थ्रेड छोड़ के रखा था उसे ले लूंगी और उसमें इस तरह से नॉट डालूंगी। मुझे अपने पूरे इस फ्लावर पॉट में इसी तरह से जो बीट्स है मेरे मैं डालते चली जाऊंगी। देखिए ये देखिए इस तरह से मेरा ये भी मैंने बीट्स डाल दिए मेरे इस तरह से पैक हो गए और पूरे मैंने अपने फ्लावर पॉट में पूरे इसी तरह से बीट्स डाल के और इसी तरह से मुझे नॉट लगाते चले जाना है। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मैंने अपना पूरे बीट्स वगैरह डाल के कंप्लीट कर लिए। मैंने 1 2 3 4 5 5 इस तरह से बीट्स डाल के इसमें नॉट बना लिया है मैंने। उसके बाद मेरी जो 4 इंच की रिंग थी उसे उसके लेकर मैंने अपने जितने भी थ्रेड है सबको उसमें डाल दिया है इस तरह से। देखिए अंदर से डाला है मैंने रिंग को, रिंग में थ्रेड को किस तरह से डालती है वो मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद देखिए फिर से मैं इस तरह से 4 थ्रेड लूंगी और इसमें इस तरह से नॉट बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मेरा एक नॉट बन गया। फिर से मैं सेकंड वाला थ्रेड में फिर से 4 लूंगी इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से मैं पूरे थ्रेड में नॉट बनाते चले जाऊंगी इसमें और मैं फिर से नीचे इसी तरह से नॉट तैयार करके फिर से मेरी जो 3 इंच की रिंग है उसे मैं इसमें अटैच कर दूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ये मोती वाला माइक्रम का जो फ्लावर पॉट है बनके अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इस तरह से मैंने आपको बताया है मैंने कैसे इसे बना लिया अच्छी तरह से और फिर से मैंने यहाँ पे 4 इंच की रिंग लगा के फिर से इसमें मैंने नॉट डाल दिया इस तरह से और फिर मेरी जो 3 इंच की रिंग थी उसे मैंने नीचे के साइड लगा के और इसमें मेरे जो थ्रेड थे उसे मैंने लाइटर्स की सहायता से जला के ले लिया है इस तरह से। देखिए ये मेरा बहुत ही खूबसूरती से मेरा मोतियों का जो माइक्रोम का फ्लावर पॉट है वो बन के तैयार हो चुका है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।